अक्षय कुमार जो एक फिल्म का 100 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं, अजय देवगन का भी हिसाब कुछ सेम टू सेम ही है, SRK AKA किंग खान ऑफ द बॉलीवुड जो नई नई और महंगी चीजों का शौक रखते हैं, उनको ये 4 रुपए में बिकने वाले पान मसाले के पैकेट एक ही साथ एक ही एड कैंपेन में कैसे ला सकते हैं। अंदर कुछ अलग ही मैच चल रही है, समथिंग वेरी बिग इज हैपनिंग। सो चलो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक फैक्ट आपको मैं बताता हूँ। इंडियन रेलवे हर साल एस्टिमेटेड 1200 करोड़ रुपए और बहुत सारा गैलन ऑफ वाटर यूज करती है सिर्फ इन गुटके के दाग डब्बे को साफ करने के लिए। आई डोंट नो ये इंडियन रेलवे सिर्फ एक्सेल वालों को क्यों नहीं हायर कर लेते हैं, वो तो सिर्फ 10 रुपए में काम कर देते हैं। ये क्या बात करता है यार। सोचो रेलवे का इतना खर्च होता है हर साल, तो जो ये बस स्टैंड्स है, रिक्शाज है, रोड्स है, इन सबको अगर कॉस्ट एड ऑन कर दिया जाए तो कितना बड़ा नुकसान होता होगा हर साल देश को। अगर गुटके के दाग धब्बे को साफ करने के लिए 1200 करोड़ रुपए लग रहे हैं तो फिर जो ये पान मसाला खैनी गुटका ओ माई बैड जो एक केसर इलायची इंडस्ट्री है वो कितना कमाती होगी। ये पेंट कंपनीज इतना ज्यादा अर्न कर रही है हर साल का जिसको तुम लोग फिगर आउट भी नहीं कर सकते। तुमने कभी भी इनकी एड कैंपेन्स देखी है? इनकी एड्स में तुम्हें दिखेंगे रोल्स रॉयस, रशियन वो भी महंगी वाली, फॉरेन लोकेशंस और सिर्फ 30 सेकंड के एड के लिए। इतना कमाती हैं क्या ये कंपनीज? वेल मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो टोबैको मार्केट है वो है 46,293 करोड़ रुपीज का। मैंने तो तुम्हें ये कॉस्ट बताई है सिर्फ और सिर्फ पान मसाला की, अगर मैं सारे के सारे टोबैको प्रोडक्ट्स को एड ऑन कर दूं तो ये ट्रिलियंस में चला जाएगा, 2 ट्रिलियंस में। तो चलो इस टोबैको मार्केट को दूसरी मार्केट के साथ कंपेयर करते हैं। इंडिया का जो चॉकलेट मार्केट है वो है 16,000 करोड़ रुपीज का, चॉकलेट फ्लेवर वाले यानी कि तुम समझ गए होगे, उसकी मार्केट है 180 मिलियन डॉलर्स की, नियरली 8,000 करोड़ रुपीस की। बिस्किट का जो मार्केट है वो है 37,000 करोड़ रुपीस का। तो शायद अब तुम लोगों को अंदाजा लग चुका होगा कि अगर ये गुटका कुमार को 400 बार भी हायर कर लेना तो इनके तो लगभग 100-200 करोड़ यूं ही बच भी जाएंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठस। और अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। ये मार्केट लगभग 4.6 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। इंडिया टोबैको का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं UAE को। अच्छा तो ये चीज तुम अभी क्लियर कर लो कि टोबैको दो फॉर्म में बनाई जाती है, एक तो सिगरेट फॉर्म में, एक नॉन सिगरेट फॉर्म में। एंड यहाँ पर नॉन सिगरेट मार्केट का जो शेयर है वो है 69%। सो अगर तुम गौर करोगे तो ये मार्केट कहीं ना कहीं लोगों को कैंसर ही बेच रही है। WHO ये कहती है कि हर साल नियरली 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके टोबैको रिलेटेड कैंसर से मौत हो जाती है। एंड ये नंबर 21st सेंचुरी तक 100 करोड़ तक पहुंचने वाला है। अच्छा हर मूवी के शुरू होने से पहले तुम्हें वो मुकेश याद है? हाँ वही मुकेश जो कि कैंसर से पीड़ित है। तो उस मुकेश को फिल्मों की शुरुआत में दिखाने का ये मतलब होता है कि ये सारा का सारा कैंसर सिर्फ और सिर्फ आम जनता को ही होने वाला है, क्योंकि जो ये बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स है वो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके अपना इलाज भी करवा लेंगे और शायद वो लोग तो इन चीजों को कंज्यूम ही न करते हो। तो जो लात पड़ने वाली है वो पड़ने वाली सिर्फ और सिर्फ आम जनता के ऊपर। खैर बैक टू द टॉपिक, अगर पूरे देश में इन टोबैको प्रोडक्ट्स को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं हम लोग, तभी भी ये इंडस्ट्री 41,000 करोड़ कैसे कमा रही है हर साल, तो यहाँ पे तुम लोगों को दिखेगी इन कंपनीज की जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सो क्या तुम लोगों को ये पता है कि 2011 में गवर्नमेंट ने टोबैको की सारी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया था, चाहे वो एडवर्टीजमेंट पर हो चाहे वो प्रोडक्शन के ऊपर हो। एंड ये बैन सिर्फ और सिर्फ एड्स पर नहीं था, ये साथ ही साथ एल्कोहल पर भी लगाया था, बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे केसेस निकल के आ रहे थे कैंसर के। लेकिन एक मिनट, हम लोगों ने तो इन सारी कंपनीज की एड्स देखी हुई हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये भैंचो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादरचोद के बच्चे। वेल अगर तुम इन्हीं सारी कंपनीज की एड्स देखोगे तो तुम इनके ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की एड देखोगे ही नहीं। भले इनका जो पैकेट होता है वो उसी सेम प्रोडक्ट का होता है लेकिन अंदर जो माल होता है वो कुछ अलग ही होता है। सो टेल मी, क्या ये लोग जीनियस हैं या फिर नहीं है? एंड जब गवर्नमेंट ने इन सारे प्रोडक्ट्स की एड पर बैन लगा दिया था, वैसे ही पान मसाला के साथ टोबैको भी हटवाने को बोला था, तो इन कंपनीज ने क्या दिमाग लगाया? अब ये सुनो, इन कंपनीज ने क्या करा, पान में जितना भी प्रोडक्ट यूज किया जाता है उससे जो टोबैको निकाल दिया और वो सारा माल डाल दिया एक पैकेट में, और जो दूसरा पैकेट था उसको सेपरेट कर दिया और सिर्फ टोबैको ही भरा। सो तुम कभी भी अगर दुकान वाले के पास जाओगे और इनके प्रोडक्ट्स मांगोगे तो ये तुम्हें एक पैकेट नहीं 2 पैकेट देंगे। डबल। वैसे अगर मैं एक पॉजिटिव मैनर में तुमसे बात करूं तो ये लोग अल्ट्रा जीनियस तो हैं। इन्होंने हर बार एक ना एक लूप होल निकाल कर अपने प्रोडक्ट्स को बिकवाना जारी ही रखा है और इसी वजह से आज के टाइम पे ये जो इंडस्ट्री है वो बन चुकी है 41,000 करोड़ की और एड ऑन के साथ ट्रिलियन डॉलर मार्केट। सो ये कंपनी जितनी भी एडवर्टीजमेंट रन करवाती है इन सबको कहा जाता है सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स। तुमने कभी ये सुना है मैन विल बी मैन? तो इसको सुन के क्या याद आता है? और वैसे ये एड देखो, ऑफिसर्स चॉइस पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। अब ये एड देखो, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम देयर।
सारी एड्स में तुम्हें कुछ ना कुछ अलग दिखेगा ही, लेकिन प्रोडक्ट जो बिक रहा है वो बिक रहा है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो ये जानते हैं कि ये गुटखा उनकी जान ले सकता है, लेकिन वो तभी भी उस प्रोडक्ट को खाते हैं। जब ये सारे लोग इन सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, तब वो अपनी जान को खतरे में तो लाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हीं लोगों की भी जान खतरे में लाते हैं जो इन सब चीजों को कंज्यूम नहीं करते हैं। समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ। कोविड ने अराउंड 500,000 लोगों की जान ली थी इंडिया में, और उसको एक इतनी बड़ी महामारी बताकर हमारे दिमाग में डाल दिया गया। वहीं एक बीमारी ऐसी भी है जो कि सेम नंबर में हर साल लोगों को खत्म करती है, और यही आंकड़ा हर साल रिपीट होता जाता है, और इस बीमारी का नाम है यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। जैसे कोविड ड्रॉपलेट्स इन द एयर और इन द ग्राउंड ऐसे करके फैलता है, वैसे ही टीबी भी सेम मैनर में फैलता है। तो यहाँ पे समझाने की बात ये भी कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि टीबी से इन्फेक्टेड है और वो गुटखा खाता है, तो वो अपने साथ साथ एक ही वक्त में 20 लोगों की और जान ले सकता है। बिकॉज एक एवरेज गुटखा पर्सन 10 मिनट में लगभग 20 बार थूकता है, और यही थूक के ड्रॉपलेट्स कभी स्टेट्स में तुम्हें दिखेंगे, कभी रोड्स में दिखेंगे, कभी तुम्हें बस स्टैंड्स में दिखेंगे, कभी तुम्हें रेलवेज में दिखेंगे, और कभी ऑटो रिक्शाज में दिखेंगे। और फिर वहीं उन्हीं ड्रॉपलेट्स पर अगर कोई नॉन गुटखा पर्सन उन चीजों पर हाथ रख दे या फिर किसी तरीके से वो उसके बॉडी के अंदर चले जाए, तो वो ड्रॉपलेट्स उस नॉन गुटखा पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देते हैं टीबी से। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स बता दी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? वेल, मेरे जैसे और भी ज्यादा क्रिएटर है जो इन सब चीजों पर वीडियो तो बना देंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा भी सोसाइटी के ऊपर। देखिए, सबसे पहला काम हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स और ऐड करने वाले लोगों को बॉयकॉट कर दें। अगर एंडोर्समेंट ही नहीं होगी इन सारे प्रोडक्ट्स की, तो लोगों को दिखेगा ही नहीं, और अगर दिखेगा ही नहीं तो फिर बिकेगा ही क्यों। सेकंड सॉल्यूशन, यहाँ पे खुद ये पान मसाला बनाने वाली कंपनीज बन सकती हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि रेलवेज लगभग 1200 करोड़ रुपए हर साल खर्चा कर रही है इन सारे दाग धब्बों को मिटाने के लिए, तो यहीं पर यही सारी कंपनी अपनी रेवेन्यू का एक हिस्सा इन सारे थूक दाग धब्बे गुटके के पीक को मिटाने के लिए कंट्रीब्यूट करे या फिर शेयर करे, तो जरा सोचो कितना फायदा हो सकता है। रेलवेज को और बाकी सारी एंटिटीज को एडिशनल खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, और इस कट से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और देश भी साफ होगा। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे थॉट्स तुम्हारे सामने रख दिए, और तुम इस चीज के बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही?